प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल की सरकार के 1.5 साल में पहली बार कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए सबसे बड़ी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। लगभग 3.25 घंटे चले इस बैठक में महिला संबंधी अपराध, अपराध नियंत्रण और अपराधियों पर कार्रवाई का मुद्दा सबसे अहम रहा। इस दौरान महिला संबंधी अपराध में कार्रवाई करने में पिछड़ी रहे जिलों के कप्तान को जमकर फटकार लगाई गई। यह पहली बार था जब मुख्यमंत्री की समीक्षा में सभी IG, ADG, जिला कप्तान के साथ साथ थानेदारों से मुखातिब हो रहे थे, यानी कप्तान साहब को पड़ रही डांट उनके थानेदार भी सुन रहे थे। इस पूरी बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा अम्बेडकर नगर में छात्रा का दुपट्टा खींचे जाने की घटना थी, जिस पर SP अम्बेडकर नगर को मुख्यमंत्री ने जमकर फटकार लगाई। अम्बेडकर नगर के साथ साथ हाल की आपराधिक घटनाओं पर भी मुख्यमंत्री ने कड़े तेवर दिखाए और 1 दर्जन से अधिक जिलों के कप्तान और 2 पुलिस कमिश्नर को भी डांट लगाई गई। अम्बेडकर नगर के साथ साथ हाथरस, चंदौली, ललितपुर, कासगंज, बलरामपुर, महोबा, महाराजगंज, अयोध्या, चित्रकूट, झांसी और सुल्तानपुर के पुलिस कप्तानों से हाल में हुई घटनाओं में लापरवाही और देरी पर असंतुष्ट दिखे। मुख्यमंत्री ने अफसरों को साफ कहा, किसी भी घटना में लापरवाही या गड़बड़ी की पुष्टि हुई तो जिले का कप्तान हो या फिर थानेदार, उसको न सिर्फ थानेदारी और कप्तानी से हटाया जाएगा बल्कि जबरन रिटायर भी कर दिया जाएगा। लखनऊ स्टेट मुख्यालय से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पहली बार जिलों के थानेदार से लेकर SP, IG और ADG जोन को एक साथ जोड़कर साफ संदेश दिया है कि लापरवाही बरतने पर कुर्सी तो जाएगी ही, नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। ऐसे पुलिस कर्मी और अधिकारियों को जबरन रिटायरमेंट देकर बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। मुख्यमंत्री की नाराजगी के पीछे हाल में हुई आपराधिक घटनाएं कारण बनी। अम्बेडकर नगर में छात्रा का दुपट्टा खींचे जाने में आरोपियों पर कार्रवाई में देरी से मुख्यमंत्री बेहद नाराज दिखे। SP अम्बेडकर नगर अजीत सिन्हा को देरी पर मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि इस घटना में अगर शासन ने निर्देश न दिए होते तो तुम अपराधियों को मिठाई खिलाते, उनकी आरती उतार रहे थे क्या। SP अम्बेडकर नगर की बीते दिनों मिली शिकायतों का भी इस फटकार में असर दिखा। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि मुझे पता है जिलों में क्या हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।